लव शॉट बना रहे हैं। दस तक की बैठक यहाँ पे हुई थी और उसी के क्रम में जो निर्देश मिले थे वो निरंतर बैठकों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ मिलकर एक शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। कुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं को एक अच्छी व्यवस्था मिले, उनके सुविधाओं में कोई कमी ना रह जाए और यातायात और स्वच्छता और सभी घटकों में एक विश्व स्तरीय आयोजन हो। लेकिन 12 करोड़ क्यों लग रहा है समझ नहीं आ रहा है। ये इसमें BOQ क्या क्या है? पक्का ट्रेन सी बनाने में पैसा लगा। BOQ है तुम्हारे नहीं, ये तो अंडरग्राउंड करने में क्या दिक्कत है? ये तो रिस्टोर भी यही करेंगे। अजय सहगल जी हैं IDS ऑफिसर, जो पहले रीत का काम था ना वो थे, उनको आप दोनों मिल और उनसे फोन पे बात भी करा दी उनसे। ये स्टैंडर्ड रेट है, अर्थिंग रॉड, टॉप चैनल क्लैंप, ब्रेसिंग एंगल, GI वायर, मेन आइटम कौन सा है? इसके लिए मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में पूरे मेले की टीम के साथ मिलकर कार्यदायी संस्था के साथ बैठकें चल रही हैं और रूपरेखा बन रही है, कार्ययोजना बन रही है, जिसको इसी महीने में शासन को प्रेषित किया जाएगा। नगर विकास विभाग के माध्यम से शीर्ष समिति जो माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है उससे सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करके शासनादेश होंगे और जो बजट आवंटित हुआ है उसको आहरित करके कार्य प्रारंभ इसी वित्तीय वर्ष में दीर्घकालीन परियोजनाओं का शुरू किया जाएगा। कितना आप क्या है करके मुझे ये डिटेल रिपोर्ट चाहिए, खानापूर्ति वाली रिपोर्ट नहीं चाहिए, डिटेल कॉम्प्रेहेंसिव डीप नॉलेज वाली रिपोर्ट चाहिए ताकि ये रखूं मैं। और याद रखिएगा जितनी आप रिपोर्ट में लिखे इस बार कुंभ में नए क्या स्वरूप होंगे? नहीं, हर एक घटक में नए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सुदृढ़ योजना बना रहे हैं और महत्वाकांक्षी योजना के साथ भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी परिकल्पना हमें दी है क्षेत्रफल में विस्तार करने के लिए, ट्रैफिक प्लान में, यातायात व्यवस्था में नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए करने के लिए बोला गया है। अभी फिलहाल करीब 150 परियोजनाएँ हैं जिसमें जो बजट आवंटित हुआ है करीब 600 करोड़ का, उसकी धनराशि हस्तांतरित हुई है। करीब 2000 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृत हो रहे हैं जिसमें 5 पुल हैं जो जिसमें स्थायी रूप से भी प्रयागराज शहर के लिए बहुत बड़ी राहत यातायात के लिए होगी। करीब 50 से ज़्यादा बड़ी सड़कें हैं जिसमें एयरपोर्ट रोड और बड़ी रोड सम्मिलित हैं उसको प्रारंभ किया जा रहा है। विद्युत के बहुत बड़े सबस्टेशंस बन रहे हैं जिसमें स्थायी रूप से इलेक्ट्रिसिटी का पूरे नेटवर्क का ऑगमेंटेशन होगा। जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसको राइट ऑफ वे से हटा के उसमें शिफ्ट किया जा रहा है, उसमें क्षमता वृद्धि की जा रही है, नए लाइन्स लिए जा रहे हैं, भूमिगत किए जा रहे हैं। इसी तरह जल निगम के पेयजल और सीवरेज नेटवर्क को बहुत ऑगमेंटेशन करके उसका किया जा रहा है। टूरिज्म के प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट लेते हुए कोशिश की जा रही है कि इलाहाबाद जो प्रयागराज शहर को एक अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में उसको और बेटर करा सके। सर, इस बार कुंभ क्षेत्र में RCC रोडों के भी निर्माण की बात सामने आ रही है, तो क्या किस तरीके के रोड्स होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्योंकि ये डिफेंस एरिया है, डिफेंस के परमिशन के बिना, डिफेंस के सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है और अच्छा समन्वय हमारे डिफेंस के साथ चल रहा है, मेला प्रशासन का, जिला प्रशासन का। जो जैसे पिछली बार यहाँ मेला क्षेत्र में अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क लिया था, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें विद्युत लाइन जहाँ जहाँ हैं पर्यटकों की सिक्योरिटी के दृष्टिगत और सुगम यातायात के दृष्टिगत हम उसको भी अंडरग्राउंड करें। कोशिश यही है कि डिफेंस की सहमति से हम ये प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ा लें।